जैसे हमन के रोटी अल्टी पल्टी करल जाला, जैसे रोटी अल्टी पल्टी करल जाला, एक तरह रही तो जर जाई ना तो कच्चा रह जाई, वही तरह सरकार के भी अल्टी पल्टी करल जाला, तब सरकार के देहिया में डर रही। सांसद जी पूछो, ए सांसद जी आप निधि कहाँ खर्च किए सांसद निधि, तो कहेंगे हर हर महादेव, इस तरह का जवाब देते हैं। आपके सांसद जी अपनी बेटी का मान सम्मान नहीं रखते, अपने पत्नी के मंगलसूत्र का मान नहीं रखते और दूसरों के पत्नी के बारे में बात करते हैं। वह बाहरी है, मैं घर की हूँ, वह बाहरी है, मैं लोकल भवा पार की हूँ। और हर एक नेता अगर भारतीय जनता पार्टी के होंगे तो आपकी कौन आवाज उठाएगा? बार देखा हुआ आई तो समी लोगन ही पूछी कि लड़का कितना कमाता, लड़का कौन नौकरी करता। ये लोकसभा का चुनाव है, पांचों विधानसभा इसमें पड़ेगा, गोरखपुर शहर, ग्रामीण, कैंपियरगंज, पिपराइच, सहजनवा, सब जगह अपने नात बात रिश्तेदारों को बता दीजिएगा। पांच विधानसभा है और अब पांच ही दिन बचा है, सभी को फोन करके बता दीजिएगा कि अगर चैन से 2 जून की रोटी खानी है तो 1 जून को साइकिल का बटन दबाना है और अपनी बहन बेटी काजल निषाद को जिताना है। ये इसीलिए जरूरी है क्योंकि हर एक नेता अगर भारतीय जनता पार्टी के हर एक नेता अगर पद पे रहेंगे तो आपकी आवाज कौन उठाएगा? आपका विधायक भाजपा, सांसद बाहरी है फिर भी भाजपा। सांसद जी पूछो, ए सांसद जी आप निधि कहाँ खर्च किए सांसद निधि, तो कहेंगे हर हर महादेव, इस तरह का जवाब देते हैं। आपके सांसद जी अपनी बेटी का मान सम्मान नहीं रखते, अपने पत्नी के मंगलसूत्र का मान नहीं रखते और दूसरों के पत्नी के बारे में बात करते हैं। वह बाहरी है, मैं घर की हूँ, वह बाहरी है, मैं लोकल भवा पार की हूँ। और हर एक नेता अगर भारतीय जनता पार्टी के होंगे तो आपकी कौन आवाज उठाएगा? आपके विधायक भाजपा के, सांसद भाजपा, योगी जी भाजपा, मोदी जी भाजपा, राज्य में भाजपा, केंद्र में भाजपा, हर एक नेता अगर भाजपा के हैं तो रामराज क्यों नहीं आया, तो अच्छे दिन क्यों नहीं आए? क्योंकि हम लोग रोटी की तरह सरकार को पलटते नहीं है। जैसे हमन के रोटी अल्टी पल्टी करल जाला, जैसे रोटी अल्टी पल्टी करल जाला, एक तरह रही तो जर जाई ना तो कच्चा रह जाई, वही तरह सरकार के भी अल्टी पल्टी करल जाला, तब सरकार के देहिया में डर रही। और ये सरकार मुद्दों पर बात नहीं करती है, ये सिर्फ हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद, ये कहती हम राम को लाए, राम को कोई ला सकता है? अरे सदियों से थे, मन मन में है, कण कण में है। हम भी कहते हैं रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय सीताय पतय नमः, हम भी कहते हैं। लेकिन जरूरी क्या है, ये मुद्दों पर बात नहीं करती। जरूरी बा जब बर देखवाई तो का पूछल जाई, जब बर देखवाई तो पूछल जाई लड़का कितना पढ़ा लिखा बा, लड़का कौन नौकरी करता, लड़का कितना कमाई करता, ई ना पूछल जाई, ई ना ना पूछल जाई कि अरे भाई लड़का कितना घंटी घुमावता, लड़का कितना कावड़ ढोवले बा, के लड़का कितना राम राम जपता, ई पूछाई? बार देखा हुआ आई तो समी लोगन ही पूछी कि लड़का कितना कमाता, लड़का कौन नौकरी करता। यहाँ शादी किसका नहीं हुआ भाई? अध्यक्ष जी का हमारे शादी नहीं हुआ है, किसका शादी नहीं हुआ? नहीं हुआ, अरे अब होगा भी नहीं, कैसे होगा इतनी महंगाई वाली सरकार में शादी नहीं होगा। लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं है, मेरा 14 साल का संघर्ष है तो 14 साल में श्री रामचंद्र जी का वनवास खत्म हो गया, आपकी बहन बेटी का वनवास खत्म करिए। 1 तारीख को हमारा जन्मदिन है तो 1 तारीख को साइकिल वाला बटन दबाकर आशीर्वाद दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार एवं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ।